सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर सिन्हा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ईश्वर यूट्यूब चैनल का। काफ़ी दिनों बाद आज लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आज हम लखीमपुर रेलवे स्टेशन से बात करेंगे आप सभी से खीरी टाउन हॉल्ट की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खीरी टाउन हॉल्ट की। और खीरी टाउन हॉल्ट पर जो मसला है, जो मामला है, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। हालचाल अच्छे नहीं है मेरे ख्याल से, आपको भी देखना ज़रूरी है और दिखाना भी ज़रूरी है। बीते कुछ दिन पहले हमने लखीमपुर रेलवे स्टेशन का आपको हाल दिखाया था कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन का आखिर लॉकडाउन के बीच में असल हाल क्या है। आज आपको दिखाने वाले हैं खीरी टाउन हॉल्ट की हालत, कि खीरी टाउन हॉल्ट पर असल हालत क्या है, कितना कार्यदायी संस्था ने यहाँ पर कार्य किया था और अब कंपेयर अगर किया जाए तो क्या हालत खीरी टाउन हॉल्ट की हो चुकी है। दिखाना ज़रूरी है, बिना डरे, यहाँ पर डर चलता नहीं है। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को बने देरी। दोस्तों आपको बता दें, मास्क मेरे पास है, देख सकते हैं आप, तो इसलिए प्लीज़ सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बने देरी करे हुए। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं खीरी टाउन हॉल्ट पर और ये है खीरी टाउन हॉल्ट का नज़ारा। सामने है लखीमपुर रेलवे स्टेशन की दिशा और दूसरी तरफ है लखनऊ जंक्शन की दिशा। तो बताते चलें, आज इस यहीं पर बात करेंगे, यहीं का जायज़ा लेंगे, स्टेशन के क्या हालचाल हैं, असल हालचाल क्या है, इस लॉकडाउन के बीच में क्या असर पड़ा, वो बात करनी ज़रूरी है। बताते चलें, 28 अगस्त 2019 को ट्रेन संचालन शुरू हुआ लखीमपुर से लखनऊ जंक्शन के बीच में, जिसके बाद तमाम आम जनता, आम जनमानस को बड़ी राहत के तौर पर, बतौर बड़ी राहत, एक ट्रेनों की सौगात मिली, जिसके बाद लोगों को लगा था कि लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, इस रूट पर आवाजाही आगमन ट्रेनों का होता रहेगा। लेकिन बहरहाल ऐसा भी नहीं हुआ, सिर्फ दो ही ट्रेनों से काम चलाना पड़ रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं, एक सुबह ट्रेन है, एक शाम को ट्रेन है। खैर, उसके बाद भी असल मुद्दा जो खीरी टाउन हॉल्ट का आज हमको दिखाना है वो ये है, जब यहाँ पर जब इनॉग्रेशन होने वाला था उसके पहले यहाँ पर लाइटिंग नहीं थी स्टेशन पर, उसकी वीडियो हमने आपको दिखाई जिसके बाद यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई। करीब करीब 8 से 9 महीने का समय बीत चुका है। स्टेशन की जो सीट्स हैं, बेंचेस हैं, वो टूट चुकी हैं। मात्रा में बेंचेस यहाँ पर लगाई भी नहीं गई थी, जो कि हम कह दिया जाए मेरे ख्याल से 3 या 4 या 5 ही बेंचें यहाँ पर लगाई गई थी, जो कि अब पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। दूसरी बात करें वाटर सप्लाई की बात, तो यहाँ पर कोई वाटर टैपिंग थी नहीं, नल लगाए गए थे जो कि सरकारी नल जिसे हम कह सकते हैं, उस टाइप के नल लगाए गए थे, उनमें से भी नलों की भी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। कहीं नल टूटे हुए हैं, कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। तीसरी बात, स्टेशन का ये जो खड़ंजा आप देख रहे हैं, ये आप खड़ंजा देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, खड़ंजा ही कहेंगे। तो इस खड़ंजे की हालत बताएं तो खड़ंजा भी साइड साइड में मिट्टी ही पटी हुई थी, पूरी तरीके से खड़ंजा भी नहीं था। एक कह दीजिए कि ईंटे का खड़ंजा बनाया गया हो तो उसमें भी दिक्कतें सामने निकल कर आ रही हैं। चौथी बात, हम आते हैं टिकट काउंटर के एरिया के पास में, अब आप टिकट काउंटर के एरिया का नज़ारा देख लीजिए क्या हाल है यहाँ पर। मतलब गंदगी का तो जमावड़ा लगा ही हुआ है यहाँ पर, हो सकता है आपको लगे कि लॉकडाउन है इसकी वजह से यहाँ पर गंदगी का जमावड़ा लगा हुआ है। दोस्तों जो खीरी टाउन हॉल्ट का टिकट काउंटर है वहाँ के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। टिकट काउंटर के अंदर का हाल आप देखिए, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दोस्तों जो टिकट काउंटर के पास का नज़ारा है वहाँ का देख लीजिए, जो बिल्डिंग मेन बिल्डिंग है उसकी भी पेंटिंग, रंगाई पुताई जितनी भी की गई थी सब कुछ एकदम ख़त्म हो चुकी है। साथ ही साथ सफाई का तो आलम अलग ही स्तर पर चल रहा है। तीसरी बात, जो बेंचेस की हालत है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कुछ तो मीटर गेज के टाइम की बेंचेस लगी हुई थी जो कि अब पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। तो ये है मेन इनका एंट्री पॉइंट, जिससे हम स्टेशन के जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर आते हैं और ये है बाहर के नज़ारे। तो ये है जो मेन बिल्डिंग और बिल्डिंग के नज़ारे आपने देख लिए, क्या हालत चल रही है स्टेशन की। वाटर टैपिंग का व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी आता नहीं है, नल टूट गया है, बेंचेस जो लगाई गई थी वो भी बची नहीं है, बेंचेस टूट चुकी हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से मसला यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। कि कई बातें खीरी टाउन हॉल्ट के बारे में निकल कर आई कि यहाँ पर जगह ज़्यादा है तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग स्टेशन बना दिया जाए। खैर वो फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, लेकिन जो तत्काल में जो आप प्रेजेंट में देख रहे हैं उसी का जब कंडीशन नहीं सही है तो भविष्य की हम अभी बात नहीं कर सकते। तो यही था आज की इस वीडियो में दिखाना आपको कि असल हालत क्या है खीरी टाउन हॉल्ट की। देखिए नल लगा हुआ है, जिसमें भी सूचना अनुसार जो हमें खबर प्राप्त है उसके मुताबिक इस नल में पानी भी नहीं आता है, नहीं आता और नल भी टूटा हुआ है। तीसरी बात, ये आप देखिए यहाँ पर बेंचेस के लिए शेड बनाया गया, शेड के नीचे बेंच ही यहाँ से गायब है और कहीं कहीं पर बेंच भी टूटी हुई आपको मिल जाएंगे। देखिए बेंचेस का हाल आपको लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा ही मिलेगा, आप लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर आइए, बेंचेस को हिलाइए, बेंचेस हिलेंगी, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है वो साफ तौर पर आपको नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल
मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। और सामने देख सकते हैं जब लखनऊ की दिशा में बढ़ेंगे तो एक शेड यहाँ पर लगा हुआ है, टीन शेड, जिसके नीचे एक बेंच पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर पूरे स्टेशन पर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से 4 से 5 या 6 ही बेंचेस लगी होंगी, जिनमें से कुछ तो बेकार हो चुकी हैं और एक शेड के नीचे एक बेंच ये लगी हुई है। हालाँकि यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि एक सिर्फ हॉल्ट है तो यहाँ पर इतनी बेंचेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरत है कम से कम उतना ही अगर सही से यहाँ पर करा गया होता काम तो आज एक नौबत ना आती। तो आप देख सकते हैं स्टेशन की हालत क्या है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए आगे ऐसी ही अपडेट्स खबरों को पाने के लिए। धन्यवाद।